SC ST आरक्षण खत्म करने को लेकर भारत बंद का आह्वान किया गया है और हम इस वक्त मौजूद हैं उन्नाव के कलेक्ट्रेट में जहां पर भीम आर्मी और बसपा के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर लोग हाथों में तख्ते लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर जानना चाहेंगे क्या मांगे हैं, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? संतोष कपूर नगर से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं क्रिमिनल लेयर वापस किया जाए और आरक्षण को आरक्षण के समय एक विधानसभा वो समय बुला करके एक विशेष सत्र बुला करके उसको नवी सूची में डालने का काम किया जाए और SC ST का जो बंटवारे के काम कर रहे हैं ये नहीं बर्दाश्त नहीं किसी को, बहुजन समाज को, सभी बहुजन समाज को, SC ST बैकवर्ड BC को। तो ये प्रदर्शन आपका कब तक चलेगा यहाँ? जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा, विशेष सत्र बुला करके नवी सूची में नहीं डाला जाएगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा बराबर, और हमारा ही नहीं पूरे देश में चलता रहेगा। देश व्यापी आंदोलन चल रहा है और भी तमाम लोग हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी राकेश कुमार नाम है। क्या कहना चाहेंगे, इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। संविधान में जो व्यवस्था दी गई थी उसके खिलाफ, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया उसके खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे और माननीय डीएम साहब को अपना ज्ञापन। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। ये थे बसपा के कार्यकर्ता भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो लगातार कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एक ज्ञापन देंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।